इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL, जहां चौके और छक्कों की बरसात देखने को मिलती है। IPL में मुंबई इंडियंस के बाद चेन्नई सुपर किंग्स भी सबसे सफल टीमों में से एक है, लेकिन पिछले सीजन में CSK की टीम प्लेऑफ तक भी नहीं पहुंच पाई थी। IPL के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब धोनी की कप्तानी में CSK पहली बार प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई थी। सो हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ मयंक। क्रिकेट की दुनिया से खबर ऐसी आ रही है कि फरवरी में IPL 2021 का एक मिनी ऑक्शन हो सकता है, जिसमें CSK फ्रेंचाइजी अपने सभी खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है, लेकिन टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर इस बात से जरा भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। गंभीर का कहना है कि धोनी 2 या 3 नहीं बल्कि सिर्फ 1 साल के लिए CSK की टीम तैयार करेंगे। इसके साथ ही गौतम गंभीर ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं। BCCI 11 फरवरी को IPL के खिलाड़ियों की नीलामी करा सकती है। BCCI की तरफ से ये कहा गया है कि सभी फ्रेंचाइजी 20 जनवरी तक टीम से रिलीज किए जाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट उन्हें सौंप दे। इसी बीच भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने कहा है कि धोनी सिर्फ 2021 के टूर्नामेंट पर ध्यान देंगे। धोनी सिर्फ 1 साल की टीम बनाने पर ध्यान देंगे, अगले 2-3 साल के लिए नहीं। इस वजह से CSK ज्यादा खिलाड़ियों को रिलीज नहीं करेगी। कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 बार चैंपियन बनाने वाले गौतम गंभीर ने कहा, अगर आप कई सारे प्लेयर्स को रिलीज कर देंगे तो फिर ये भी देखना होगा कि ऑक्शन में क्या क्या बचता है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हम पिछले 2 या 3 साल से ये कह रहे हैं कि CSK की टीम उम्रदराज खिलाड़ियों की है, लेकिन इसमें कोई शक भी नहीं है कि यह टीम उम्रदराज खिलाड़ियों की थी, जिसमें शेन वॉटसन, ड्वेन ब्रावो और MS धोनी जैसे बेहतरीन खिलाड़ी थे। मैं कई साल से ये कह रहा हूँ कि धोनी अब भी CSK को सफलता दिला सकते हैं और उनके अंदर ये खासियत है। लोग बात करते हैं कि धोनी ने कैसे CSK को IPL की इतनी सफल टीम बना दिया, और इसकी वजह ये है कि धोनी केवल 1 साल पर फोकस करते हैं, वो अगले 3 साल के लिए टीम बनाने पर ध्यान नहीं देंगे। धोनी की ये क्वालिटी इस सीजन भी जारी रहने वाली है। धोनी सिर्फ इस बात पर ध्यान देंगे कि उनकी टीम सबसे अच्छी हो जो उन्हें साल खिताब दिला सके। गौतम गंभीर का मानना है कि CSK फ्रेंचाइजी ज्यादा प्लेयर्स को रिलीज नहीं करेगी। ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक ऑक्शन में काफी ज्यादा प्लेयर नहीं आ जाते हैं जिन्हें CSK खरीदना चाहती हो। IPL 2020 में CSK की टीम ने सीजन की शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया CSK का प्रदर्शन गिरता गया। खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का भी बल्ला खामोश रहा, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। खैर, अब साल 2021 में एक बार फिर IPL का आयोजन होना है। देखना होगा कि इस सीजन में फ्रेंचाइजी और कप्तान धोनी किस बदलाव के साथ मैदान पर उतरते हैं और इस साल का खिताब अपने नाम करते हैं या नहीं। अंत में जाते जाते आप सभी के लिए रोचक जानकारी, शायद ही आपको मालूम होगा कि 372 रन की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के क्रिस गेल और मार्लोन सैमुअल के नाम है। इन दोनों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी। मिलेंगे अगली बार क्रिकेट जगत की नई दिलचस्प और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए NBC हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।